सबसे पहले जो हमारे इसमें बहुत सारी मेडिसिन है गाइस, ठीक है, सारी मेडिसिन में दोनों दो तीन चार चीज़ें बताऊंगा, उसका नाम क्या होता है और वो कंपोजिशन क्या होता है और वो यूज़ किस जगह पे होती है, किस किस काम में उसका इस्तेमाल किया जाता। आइए देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन जो कॉमनली आती है कैल्पोल, ठीक है, कैल्पोल के नाम से मेडिसिन जो होती है ये मार्केट में आपको कैल्पोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसका जो ड्रग नेम होता है यानी कि जो इसके अंदर जो ड्रग्स पाया जाता है, ड्रग सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, पैरासीटामोल। आप बोलेंगे सर पैरासीटामोल तो फीवर के लिए देते हैं, आप तो दर्द वाली गोलियाँ बता रहे हो। देखो जो फीवर के लिए पैरासीटामोल है ना, आप क्या होता है जब हमको फीवर आता है, आप समझना, अब जब हमको फीवर आता है उस कंडीशन में क्या होता है, फीवर आने पे हमारी बॉडी में दो तीन चीज़ें होती है। फीवर आया तो हमारी बॉडी में हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, ठीक है, सर दर्द होने लगता है, बॉडी अकड़ जाती है, पेन होता है, बॉडी में खिंचाव होता है, होता है। जब हम पैरासीटामोल लेते तो हमारे हाथ पैर सड़पना बंद हो जाते हैं, टूटना ऐसे लगता है हाथ पैर टूट रहे हैं, बिल्कुल दर्द कर रहा है, बॉडी पेन रहती है, फीवर में होता है। जब हम वो टैबलेट लेते तब हमें फीवर तो कम होता ही होता है, साथ में क्या होता है वहाँ पे हमारा दर्द भी कम होता है। तो जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल इज अ वर्क एज पेन किलर, वो दर्द का भी काम करती है, चीज ध्यान रखना। इसका जो डोजेस है वो बहुत डिटेल से बताऊंगा गाइस, देखना मैं, है ना, बच्चों की बात नहीं करूंगा गाइस क्योंकि बच्चों में सिरप फॉर्म आती है, ठीक है, ये मैं एडल्ट्स की बात करूंगा। देखो इसका यूज़ होता है हाई ग्रेड फीवर में, बहुत ज़्यादा फीवर आता है तब, और बॉडी पेन में, ये कॉमन चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। आप समझते हैं गाइस इसके डोजेस के बारे में। हम लोग जिसका डोजेस होता है 300 mg की जो टेबलेट होती है Q12H, QH का मतलब होता है हर 12 घंटे में, 12 घंटे की गैप में ये टेबलेट लेना होती है। 300 mg की जो गोली, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी टेबलेट हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसको हमेशा लोअर डोज से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब पहले कम डोज लेना चाहिए, यदि हमको रिलीफ हो जाए तो ठीक है, वरना फिर डोज को बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर भी ऐसे करते हैं, डॉक्टर की सजेशन से ही टेबलेट लेना चाहिए। पहले 300 mg की टेबलेट Q12H, Q12H का मतलब सबको पता होना चाहिए, याद रखना Q12H, क्यों इधर बीच में जो आता है 12 है तो 12 घंटे की गैप में 8 है, यानी कि हर घंटे में उसको टैबलेट को देना है। कितने घंटे में देना है, हर 12 घंटे में, हर 8 घंटे में, हर 10 घंटे में, ठीक है, ऐसे रहता है। तो जो 300 mg की जो टैबलेट है गाइस हर 12 घंटे में पेशेंट को दी जाती है, उससे फीवर भी कम होता है और दर्द भी कम होता है। अब जो मान लीजिए फीवर कम हो ही नहीं रहा उसका, तो क्या करोगे आप, इंक्रीज कर दो वॉल्यूम, 500 mg की टेबलेट दे दो उसको 12H, यानी कि 12 घंटे में, ठीक है। एक 625 mg की टेबलेट भी आती है एडल्ट्स के लिए, ठीक है, 650 mg की जो टेबलेट होती है हर 12 घंटे में ही दे सकते हो। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपको मान लीजिए हर 8 घंटे में, हर 4 घंटे में फीवर रिपीट हो रहा है, बुखार वापस आ रहा है, तो क्या करो जो ये 300 mg की गोली है ना, ये 8 घंटे में, जैसे कि मैंने 12 घंटे में लेने को बोला, इसको हर 8 घंटे में ले लो, ठीक है, यानी कि दिन में TDS ले लो, 3 बार ले लो दिन में, ठीक है, सुबह दोपहर शाम को, ठीक है, हर 8 घंटे की गैप मतलब TDS ही होता है, और 12 घंटे की गैप का मतलब होता है BD, दिन में 2 बार, क्लियर है। 500 mg की टेबलेट भी यदि पेशेंट को दी जाती है दिन में 3 बार, यदि मान लीजिए तो सेम टेबलेट का IV फॉर्म भी आता है। कुछ साइड इफेक्ट, हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी मैं अब बताना स्टार्ट कर दूंगा आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं सर साइड इफेक्ट नहीं बताते हो आप, मैं साइड इफेक्ट भी आपको बताता हूँ। बॉडी इचिंग, शरीर में खुजली चलना, शरीर में इचिंग भी होने लगेगी उससे, और उसके बाद डिजीनेस, उसको शरीर में चक्कर आने लगेगी, उसको डिजीनेस होने लगेगी, स्वेलिंग इन माउथ, मुंह में सूजन आ जाएगी, कब, ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट, इतने देखने को नहीं मिलते वैसे। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, उसको थोड़ा सांस लेने में भी, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो गाइज ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, और ये कुछ डोजेज है, तीन फॉर्म में मिलती है, 300 mg, 500 mg और 650 mg में ये मार्केट में मिलती है। बट मैं ये बोलूँगा 300 mg पहले लोअर डोज से स्टार्ट करो, फीवर या पेन में रिलीफ नहीं लगता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दो आप, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वो आती है डिस्प्रीन, डिस्प्रीन DS। अब ये DS क्या है गाइस, DS का मतलब होता है पानी में घोल के पीने वाली दवाई है, जिस भी जैसे कि कीटोरोल, सॉरी हाँ वो भी DT आती है, ठीक है। DS का मतलब होता है जो ऐसी टेबलेट जो पानी में घुल जाए, ठीक है, डिस्प्रेसिबल रहे वो,
ठीक है, ये लिखा भी हुआ है डिजोल्व पानी में, वो घुल जाती है, और अगर ये पानी में घोल के पियेंगे लिक्विड में तो जल्दी इफेक्ट करती है, ये मेरी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम जो पीते हैं गोलियाँ लेते हैं, वो पहले टेबलेट लेते हैं, फिर पेट में जाएगी, फिर घुलेगी, समय लगाएगी, पर डिस्प्रिन है ऑलरेडी जैसे पानी में डालोगे डिजोल्व हो जाएगी, पी लोगे वो तुरंत ही आपके माउथ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। डिस्प्रिन होती है, डिस्प्रिन के अंदर जो कंपोजिशन होता है, जो ड्रग सोल्ट होता है गाइज, उसका नाम होता है एस्प्रिन। इसके अंदर एस्प्रिन जो ड्रग है वो पाया जाता है, इसको एक इको स्प्रिन के नाम से टैबलेट भी आती है अगर, ठीक है, वो हार्ट पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। इको स्प्रिन वगैरह टैबलेट आपने सुना हो, वो भी उसके अंदर भी एस्प्रिन होता है, और एस्प्रिन इज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। इसका यूज़ हेडेक, सरदर्द में, माइग्रेशन, माइग्रेशन वगैरह जो होता है, आधा सीसी वगैरह होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होना सर्द में, ठीक है। पीरियड पेन, फीमेल को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है गाइज, लिटरली बता रहा हूँ, फीमेल को, फीमेल अगर इस टेबलेट को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मली नहीं, अगर उसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अनकंट्रोल पेन हो रहा है, तो वो ये एक टेबलेट ले सकती है, इससे बहुत जल्दी रिलीफ होता है, ठीक है। जरूरी नहीं सर दर्द में ही काम करेगी, ठीक है, सर दर्द के लिए स्पेशल है, बट ये पीरियड्स के पेन में भी काम करती है, पेन किलर का काम करती है, ठीक है। डिस्प्रिन इसका नाम है, एस्प्रिन इसके अंदर कंपोजिशन है। अब देखते हैं इसके डोजेस के बारे में, राइट, डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 mg की जो टेबलेट आती है वो Q12H यानी कि BD, दिन में आपको दो बार यानी कि 12 घंटे की गैप में इस टेबलेट को लेना होती है, हर 12 घंटे की गैप में ये गोली, एक गोली 100 mg की। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जो 100 mg की टेबलेट है Q8H ले लो, Q8H का मतलब होता है हर 8 घंटे में, ठीक है, यानी कि TDS दिन में 3 बार इसको ले सकते हो, ठीक है, 100 mg की, बट टाइमिंग याद रखना 8 घंटे की गैप रखना है। यदि उससे रिलीफ नहीं रहा थोड़ा सा अपन अमाउंट इंक्रीज कर दो, 325 mg की टेबलेट आती है, 325 mg की गोली को हर 12 घंटे में दे सकते हैं, सुबह और शाम को। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, माइग्रेशन का कोई पेन है, पीरियड्स में बिल्कुल अनकंट्रोल पेन हो रहा है, ठीक है, तो इस टेबलेट को 325 mg में पानी में डिजोल्व करके लो, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर ही रिलीफ हो जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते गाइस हम लोग, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टेबलेट आती है आपकी कॉम्बी फ्लैम। कॉम्बी फ्लैम भी आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है गाइज ये भी, कॉम्बी फ्लैम। जो कॉम्बी फ्लैम के अंदर जो ड्रग्स होता है, जो कंपोजिशन होता है, ड्रग सोल्ड होता है आईबीब्रुफेन होता है गाइज। आईबीब्रुफेन भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आईबीब्रुफेन और इसके अंदर पैरासिटामोल का भी कंपोजिशन होता है। जो कॉम्बी फ्लैम होती है ना, ये कॉम्बी फ्लैम दर्द को तो कम करती है, फीवर को भी रिलीफ करती है, ठीक है। पैरासिटामोल इसके अंदर कंपोजिशन है देखो तो, पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक भी है और एंटी पेन किलर भी होती है, ठीक है। तो आईबीब्रुफेन जो कि पेन किलर है और पैरासिटामोल, आईबीब्रुफेन याद रखना स्वेलिंग में भी काम करती है, क्योंकि आईबीब्रुफेन जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, चलते चलते उसका पैर मुड़ गया, तो पैर मुड़ने से उसको सूजन आ गई, स्वेलिंग भी हो गई, हाथ मुड़ गया, कंधा मुड़ गया, जो भी वॉट एवर कहीं भी मुड़ गया, मोच लग गई, तो स्वेलिंग तो आएगी, साथ साथ में क्या होता है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन भी आ जाती है, दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो कॉम्बी फ्लेम ले सकता है। कॉम्बी फ्लेम से क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी में पेन भी कम होता है, फीवर में, क्योंकि हम देखते ना कभी कभी चलते चलते गिर गया, पैर मुड़ गया, चलते चलते पैर मुड़ गया, तो उसको फीवर भी आ जाता है और स्वेलिंग भी आ जाती है, दर्द भी होता है। तो ये जो कॉम्बी फ्लेम है बहुत इफेक्टिव, क्योंकि इसमें आईबीब्रुफेन भी होता है जो कि सूजन को कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा, पैरासिटामोल थोड़ा फीवर में रिलीफ करेगा और थोड़ा दर्द में मदद करेगा कम करने में। यूज़ इसको ज़्यादातर गाइस जॉइंट पेन यानी कि जो घुटनों के दर्द या फिर हाथों के दर्द, जो जोड़ों के जो दर्द होते हैं, उसमें इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेशन यदि किसी व्यक्ति को है तो माइग्रेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हेडेक यदि किसी का बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड्स के पेन में भी कॉम्बी फ्लेम को सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, डोजेस, इसके क्या क्या डोजेस हम दे सकते हैं। देखो 400 mg की जो टैबलेट होती है, 400 mg की टैबलेट को Q12H यानी कि हर 12 घंटे में इस टैबलेट को दिया जाता है। 400 mg की टैबलेट यदि मान लीजिए रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उस टैबलेट को दिन में 3 टाइम ले सकता है व्यक्ति, ठीक है।
QHH यानी कि 8-8 घंटे की गैप में इस टेबलेट को 3 बार ले सकता है। फिर भी अगर लग रहा है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के सजेशन से 650 mg की जो टेबलेट होती है Q12H यानी कि दिन में 12 घंटे में दो बार ली जाती है, एक सुबह एक शाम को, 12 घंटे की गैप में 650 mg की गोली, हर 12 घंटे में एक गोली इसको लेना होती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नोजिया, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ गाइस, क्या होता है एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ ये थे जब मैं टाइपिंग करता हूँ तब ना कहीं ना कहीं जब मैं बोल के टाइप करता हूँ तब मिस्टेक हो जाती है, प्लीज़ रिगार्ड इट। और यार कुछ लोग ऐसे भी है जो कमेंट्स में मैंने उन लोगों को देखा है वो गालियाँ देते हैं मुझे, ठीक है, बहुत गंदी गालियाँ वो लोग दे रहे हैं कमेंट्स में, हालांकि मैं उनके कमेंट डिलीट कर देता हूँ, पर ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा आप चीज़ों को देखा करो, कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है। आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई चीज़ें मुझसे गलतियाँ होती है, मैं सुधार करता हूँ चीज़ों में, उसको मॉडिफाई करता हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं ये चीज़ भी बोलता हूँ कि भैया बिना डॉक्टर के सजेशन से कोई टेबलेट नहीं लेना, बट जो फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें उनको बतानी पड़ती है, ठीक है। और आई थिंक मैं ठीक ठाक ही पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलतियाँ इतनी ज़्यादा भी कोई चीज़ें रहती, माना कि मुझसे गलतियाँ होती हैं, मैं आई एक्सेप्ट दैट, बट थोड़ा सा आप चीज़ों को समझा करो प्लीज़। ये गालियाँ मत दो यार ये कमेंट्स में ना, इससे क्या आता है, आप अपने आप को परिचय दे रहे हो आप गालियाँ दे के कि आप क्या हो, तो प्लीज़ ये गालियाँ कमेंट्स में ना टाइप करो, ठीक है। कोई गलतियाँ होती है आप मुझे बता सकते हो, सर आपने ये चीज़ गलत बताई है इसको प्लीज़ मॉडिफाई करो, ठीक है, ना कि आप मुझे गालियाँ दो, ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा हो। तो वोमिटिंग, उल्टियाँ भी इसमें होती है, ठीक है, वोमिटिंग देखने को मिलती है, डिजीनेस, चक्कर भी आते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है ब्रूफेन जो टैबलेट होती है आपकी 200 mg, अलग अलग वो mg की बात अपन बाद में करते हैं। ब्रूफेन जो टैबलेट होती है देखो, इसके अंदर जो आईबी ब्रूफेन एक ड्रग सॉल्ट होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। ये ब्रूफेन भी एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और पेन किलर भी, दर्द तो कम करेगी साथ साथ सूजन को भी कम करती है, ठीक है। जॉइंट पेन, यदि आपको जॉइंट पेन है तब भी ये काम करेगी, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में भी ये इसको दी जाती है, जैसे कोई सर्जरी हुई है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद इस टैबलेट को देने से क्या होता है कि उसकी बॉडी हल्का सा, उसके बॉडी में पेन कम होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे सर्जरी हुई, जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो ख़त्म होता है फिर पेन होता है, उस कंडीशन में इस टैबलेट को देने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। इसके डोजेस को समझ लो, डोजेस को समझ लो, 200 mg का जो Q12H का सिंपली मतलब होता है, मैंने बताया हर 12 घंटे में 200 mg की गोली को हर 12 घंटे में आप पेशेंट को दे सकते हो। 200 mg की टैबलेट को बढ़ा भी सकते हो, दिन में आप 3 बार भी इस टैबलेट को दे सकते हो। QHH यानी कि TDS बोलते हैं, ठीक है। 400 mg की गोली भी आती है, इसको 12 घंटे में 2 बार ही दीजिएगा, ठीक है। और 600 mg की टैबलेट भी आती है, इसको 12 घंटे में दो बार, है ना, 12 घंटे की गैप में, मतलब सुबह और फिर 12 घंटे की गैप में फिर दे दिया, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट भी है इसके, नोजिया, जी मचलाना, हेडेक, वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, जी मचलाना, ठीक है, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी डाइनेपार, डाइक्लोपेनिक कंटेन इसके अंदर होता है, डाइक्लोफेन सोडियम। देखो डाइक्लोफेन सोडियम ये सबसे ज़्यादा सेफ मेडिसिन मानी जाती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि कोई फीमेल है, अब वो 8 मंथ 6 मंथ की उसको प्रेगनेंसी है, ठीक है, बच्चा पेट में है माँ की, उसको सर दर्द होने लग गया, तो क्या वो टैबलेट नहीं लेगी, ऐसा नहीं है, उसको टैबलेट दी जाती है डाइक्लोपेनिक कंटेंट, जो गायनेकोलॉजी डॉक्टर है डाइनेपार टैबलेट देती है, सेफ मेडिसिन होती है, नो एनी प्रॉब्लम, इसको दे सकते हैं प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का दर्द हो, ठीक है, यानी कि 4th-5th महीने में अगर सर दर्द है, पेट दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ठीक है, तब इस टैबलेट को दी जाती है। और इसके अंदर अगर फीवर है तो भी ये काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो पैरासीटामोल, देखो डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के कंपोजिशन के साथ में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। इसका यूजेस देख लीजिए, यूजेस क्या है इसका,
बैक पेन इसका मुख्य रूप से पीठ के दर्द में बहुत इफेक्टिव होती है, जो बैक पेन होता है बॉडी में बहुत इफेक्टिव है। आफ्टर सर्जरी के बाद भी इसको देते हैं दर्द वगैरह कम करने के लिए। हेडेक सर दर्द है तो, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सेल्फ मेडिसिन इसको दिया जाता है, चीज़ ध्यान रखना। इसके आप डोजेस के बारे में समझ लो, 50 mg की जो टैबलेट होती है Q12H, 50 mg की टैबलेट को दिन में दो बार दिया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 75 mg की गोली भी आती है, 75 mg की गोली को भी आप दो बार दिन में दे सकते हो। 100 mg की गोली को भी दिन में दो बार, यानी कि Q12H 12-12 घंटे की गैप में इस टैबलेट को दिया जाता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ, डिजीनेस, चक्कर आना, ब्लैक स्टूल, इसका एक कॉमन से जो सिम्टम देखने को मिलता है ब्लैक स्टूल, काला मल, जो पोटी होती है वो ब्लैक ब्लैक होने लगती है कभी साइड इफ़ेक्ट करेगी तो। माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले भी कभी कभी इससे हो जाते, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है और ये डोजेज है जो कि आपको ध्यान में रखना है गाइज। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से, डाइनेपार का इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। अब इस ये जो डाइनेपार का जो इंजेक्शन है, अगली बार मैंने बोलता है इसको आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं, तो गाइस मुझे लोग गालियाँ दे रहे थे, ठीक है, अबे देखो क्या आता है, कुछ भी पढ़ा रहा उल्टा सीधा ये वो। भैया मैं तो ठीक है, पहले आप जरा इस स्टेप, इंजेक्शन है, इंजेक्शन के ऊपर जब क्लियर लिखा हुआ है आईवी इन्फ्यूज़न, ठीक है, आईवी इन्फ्यूज़न इसको दे सकते हैं। लोग बोलते हैं अरे सर तुमको क्या पता है, आईवी दे देंगे तो पेशेंट ही मर जाएगा। भैया ऐसे नहीं होता है, समझो आप चीज़ों को, पहले पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। मुझे पता नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कौन था वो जो गालियाँ दे रहा था उस टाइम पे। जो डाइक्लोपेनिक जो कंटेन है गाइज, इसको IM देते हैं, मैं मानता हूँ, आई एग्री विथ यू, IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, बट ये IV इन्फ्यूज़न, IM के साथ IV इन्फ्यूज़न भी देते हैं। 100 एटलीस्ट हॉस्पिटल से आप जाके देखो, 100 ml की NS में बिल्कुल स्लोली ये इंजेक्शन दिया जाता है IV, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना गाइज, ठीक है। और ये जो गालियाँ देते हैं, पहले पढ़ लो भैया, आपके नॉलेज को बढ़ाओ, उसके बाद में आप मुझे गालियाँ दो, ठीक है। और डोजेस के बारे में भी बोलते हैं, अरे ऐसा क्या होता है क्या, इतना डोजेस नहीं देते, इतना डोजेस देते। भैया आप डोजेस के बारे में पहले जानो, सीखो, फिर मुझे गालियाँ दो आके, ठीक है, कुछ भी बोलते गाइस लिटरली। डाइक्लोफेनिक सोडियम, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, प्योर डाइनेपार होता है, ठीक है, ये पैरासीटामोल की कंपोजिशन नहीं है, टेबलेट फॉर्म में पैरासीटामोल आती है। बैक पेन, पीठ दर्द, सर्जरी, हेडेक, बॉडी का कोई भी दर्द होता है, इसको आईवी में दिया जाता है। लिखा है आईवी और IM दोनों तरह से यूज़ करते हैं, आईवी इन्फ्यूज़न के रूप में इसको देते हैं, और 100 ml NS में बिल्कुल स्लोली इंजेक्शन भी आईवी दिया जाता है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके डोजेस के बारे में, 75 mg का आता है ये, लिखा हुआ भी है 75 mg पर ml, ठीक है। ये 75 mg अपन को जो देना होता है, वो 75 mg जो है, 75 mg आप दे सकते हो Q12H 12 घंटे में एक बार इसको दे सकते हो। एक 12 घंटे में अभी दे दिया, फिर 12 घंटे के बाद फिर से इसको रिपीट किया जा सकता है 75 mg, ये चीज़ ध्यान रखना 12 घंटे में। जी मचलाना, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और ब्लैक स्टूल भी देखने को मिलती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आती है जीरोडोल, लिटरली गाइस जीरोडोल बहुत ही फेमस मेडिसिन है, जीरोडोल के नाम से मार्केट में मिलती है। और एसिक्लोफेन, एसिक्लोफेन इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है एसिक्लोफेन इसके अंदर मिलता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया में इसको देते, गठिया के दर्द में, जॉइंट पेन यदि आपको लग रहा है, इसमें भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। 100 mg की टेबलेट है, IP इंडियन फार्माकोपिया है, ठीक है। आप देखता है आगे इसमें 100 mg की जो टेबलेट है Q12H 12 घंटे में एक बार, यानी कि एक 12 घंटे में अभी दे दिया, 12 घंटे के बाद फिर से इसको रिपीट किया जा सकता है, दिन में दो बार इस टैबलेट को दे सकते हैं। नोजिया होना, वोमिटिंग होना, ठीक है, जी मचलाना, डिजीनस, चक्कर, हार्ड बर्न, छाती में जलन जलन लगना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते। नेक्स्ट दांतों के दर्द के लिए जो सबसे रामबाण मेडिसिन होती है वो होती है कीटोरोल DT, ठीक है। DT कीटोरोल ये पानी में घुल जाती है, मैंने पहले भी बताया है ये टेबलेट के बारे में। कीटोरोलैक इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है टीथ पेन, दांतों में दर्द, दांतों में सूजन, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में सूजन के लिए इसको दिया जाता है, बहुत इफेक्टिव है ये भी। 10 mg की ये टेबलेट आती है Q12H, हर 12 घंटे में इस गोली को दिया दे सकते हैं हम लोग। एटलीस्ट दो टेबलेट
पेट को पानी में घोल के पीने से बहुत ही फास्ट रिलीफ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है। चक्कर आना, उल्टी होना, जी घबराना, जी मचलाना, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को आपको इस मेडिसिन के मिल सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है, नेक्स्ट जो टैबलेट आती है आपकी, नेफ्रोसिन। नेफ्रोसिन भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, ये दर्द में बहुत इफेक्ट करती है। इसके अंदर नेप्रोक्सिन जो कंपोजिशन होता है वो होता है नेप्रोक्सिन, ये चीज़ ध्यान रखना। हेडेक, सर दर्द में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये, और माइग्रेशन का जो पेन होता है, माइग्रेशन के दर्द में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। इसके डोजेस को समझ लो, 250 mg की जो टैबलेट है Q12H, 12 घंटे में रिपीट कर सकते हो, दिन में दो बार इसको टैबलेट को देना, 12 घंटे यानी कि दिन में दो बार। अब इसको 250 mg के लोअर डोज से ही मेडिसिन स्टार्ट करना है, ठीक है। 250 mg की गोली 8 घंटे में, दिन में तीन बार भी आप ले सकते हो, यदि आपको ज़्यादा दर्द लग रहा है तो। अगर ऐसा है तो फिर 500 mg की गोली 12 घंटे में एक बार ले सकते हो आप, ठीक है, 12 घंटे की गैप में, यानी कि सुबह शाम दिन में दो बार खाना खाने के बाद। और 550 mg की टेबलेट जो डोज बढ़ता है, ये पेन के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर बढ़ता है, चीज़ ध्यान रखना। 550 mg की Q12H यानी कि 12 घंटे में की गैप में इस टैबलेट को दिया जाता है। एडल्ट्स का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें विजुअल प्रॉब्लम होती है साइड इफेक्ट में देखने को, विजुअल देखने में कोई समस्या होने लगने है, वोमिटिंग, उल्टी आना, चक्कर आना, कन्फ्यूज़न, निर्णय, व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी, इसको लेने के बाद क्या होता है, कन्फ्यूज़न होना, ऐसी चीज़ें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है अल्ट्रासेट। अल्ट्रासेट मेडिकल में जो हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इफेक्ट का यूज़ करते हैं इसको। इसके अंदर ट्रामाडोल, पहले बता दो, नारकोटिक ड्रग्स होती है, इसकी आदत लगती है, रेड लाइन इसके ऊपर बनी हुई है, जिस भी टैबलेट के ऊपर रेड लाइन बनी होती है, बिल्कुल भी इस टैबलेट को अपने सजेशन से कोई भी नहीं लेगा। डॉक्टर सजेस्ट करता है, बट मैं इसको आपको स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल के आपको पता होना चाहिए, रेड लाइन है, ठीक है, नारकोटिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन को हम बिना डॉक्टर के परमिशन के बिल्कुल भी नहीं लेना है, डॉक्टर सजेस्ट करता है, ठीक है। आफ्टर सर्जरी, कोई सर्जरी उसके बाद पूरी बॉडी एकदम सुन कर देती है ये टैबलेट, ठीक है, एकदम हैवी हैवी कर देती है, एकदम बॉडी एकदम सुन टाइप की हो जाती है। सुन हो गई तो दर्द नहीं होगा, आपको दर्द फील नहीं होता है। एवरी पेन, बॉडी का हर एक दर्द, सभी प्रकार का दर्द बिल्कुल ख़त्म कर देती है, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है। अल्ट्रासेट इसकी आदत लग सकती है, ये टैबलेट नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है बिना डॉक्टर के सजेशन पे, रेड लाइन मेडिसिन है। इसका जो डोजेस होता है 325 mg में 12 घंटों में रिपीट करते दिन में दो बार, और 500 mg की गोली भी दिन में दो बार लेते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब। विजुअल प्रॉब्लम देखने में, वोमिटिंग होना, डिजीनेस होना, कन्फ्यूजन होना, हैबिट यानी कि आदत लग जाना, ये आदत लग जाती है इस मेडिसिन की, चीज़ ध्यान रखना, डॉक्टर के सजेशन से इस टैबलेट को लेना होगा। नेक्स्ट सेम इसका जो पीछे मैंने बोला ना आपको अल्ट्रासेट जिसके अंदर ट्रामाडोल होता है, इसका सेम इंजेक्शन भी आता है जिसको हम लोग कंट्रामोल बोलते हैं। कंट्रामोल बहुत ही फेमस मेडिसिन है, ये हॉस्पिटल में बहुत ही यूज़ करते हैं इसको। ट्रामाडोल, इसके अंदर कंपोजिशन तो ओबियसली सेम रहेगा, ट्रामाडोल आईबी आईएम दोनों यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर सर्जरी और एवरी पेन सर्जरी के बाद दिया जाता है। इसका जो एमजी होता है 100 mg, 12 घंटे में रिपीट करते हैं इसको। वो ही सेम साइड इफेक्ट, विजुअल प्रॉब्लम, वोमिटिंग, डिजीनेस, कन्फ्यूजन और हैबिट यानी कि आदत लग जाना, ये कुछ इसके सिम्टम्स हो सकते हैं।